हेलो गाइज, मेरा नाम है भरत और हमारे सामने खड़ा है भरत बेंच का घोड़ा जो कि है 5532 4x2 में हमारे सामने खड़ा हुआ है। मतलब आप इसको 4x4 कह सकते हैं। 6 चक्कों में हमारे सामने खड़ा हुआ है भरत बेंच का 5532 टेलर। आज मैं आपको इस वीडियो में इस टेलर की पूरी डिटेल दूंगा, इसके इंटीरियर, इसके एक्सटीरियर, इसके इंजन, इसकी माइलेज और भरत बेंच अपने 5532 घोड़े में क्या क्या फीचर देता है वो सभी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए। और मेरे चैनल पर इस तरह से लगाकर टाटा के, अशोक लैंड के बहुत से घोड़ों की वीडियो बना के आपको दिखाई है। तो मेरे ये टेलर की और ये घोड़ों की सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। टेलर को घोड़ा कहा जाता है क्योंकि इसके पीछे पूरी ये बॉडी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और एक एक करके मैं आपको इसकी पूरी डिटेल देता हूँ। यह है भरत बेंच के 5532 4x2 घोड़े की फ्रंट से लुक। व्हाइट कलर में हमारे सामने ये खड़ा हुआ है। इसमें आपको कुछ इस टाइप से फ्रंट की लुक मिलती है। यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी विंडशील मिल जाती है और एक्चुअली में आपको काफ़ी बड़ी विंडशील दी गई है। उनको आपको क्लीन करने के लिए यहाँ पे आपको दो दो वाइपर मिल जाते हैं विथ वॉशर के साथ में। और साइड में आपको मिरर मिलता है। अभी बहुत सी कंपनियाँ साइड में ही मिरर देने लगी है। टाटा भी पहले बीच में देती थी लेकिन अब साइड में देती है जिससे कि पूछे पूरे नीचे की लुक ड्राइवर को दिख सके। अगर वो अकेला ड्राइव कर रहा है मतलब उसके साथ में कोई दूसरा आदमी नहीं है तो उसको कोई भी प्रेशर नहीं हो, नीचे की पूरी लुक उसको दिख सके। और यहाँ पे आपको भरत बेंच की काफ़ी बड़े बड़े अक्षरों में बेजिंग मिलती है। पूरा आपको यहाँ पे भरत बेंच लिखा मिलेगा। यहाँ पे आपको 3 mm की आपको रेडियम की पट्टी मिल जाती है वाइट में। और भरत बेंच का आपको यहाँ पर लोगो मिलेगा काफ़ी बड़ा। और ब्लैक कलर में आपको फ्रंट की लुक मिलेगी इस घोड़े की। और यहाँ पे आपको चौको शेप में हेलोजन में फ्रंट की लाइटें मिलती है। यहाँ पे आपको हेलोजन में लाइट दी गई है और यहीं पे आपको हेलोजन में इंडिकेटर मिलेंगे। ये वाली लाइट कस्टमर ने बाहर से लगवाई है। और यहाँ पे आपको पूरा लोहे का बम्पर मिलता है और नीचे भी आपको एक बम्पर दिया गया है। ये काफ़ी अच्छी बात है। ये होगी इसकी फ्रंट की लुक। अब साइड की लुक की बात करें तो साइड में आपको ऐसी लुक मिलेगी जिसमें आपको काफ़ी बड़े बड़े आउटसोर मिरर दिए गए हैं। यहाँ पे आपको मॉडल की ब्रांडिंग मिलेगी 5532। 55 का मतलब है इस घोड़े का ग्रॉस व्हीकल वेट है 55,000 kg। और 32 का मतलब है कि इस घोड़े में 320 bhp की आपको पावर मिलती है। मैंने आपको टाटा के 5532 की वीडियो बना के दिखाई है, उसमें आपको 300 hp की पावर मिलती है। आइसर की बना के दिखाई है, आइसर भी आपको 300 hp की पावर देता है लेकिन भरत बेंच आपको 320 hp की आपको पावर निकाल कर देता है। 4x2 की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको फुट स्टेप दिए गए हैं और ये इसके काफ़ी बड़े बड़े आउटसाइड मिरर। यहाँ पे आपको हेलोजन में ही काफ़ी बड़े बड़े आपको इंडिकेटर मिलेंगे। और टायर की बात करें तो वो भी आपको काफ़ी बड़े बड़े इसमें टायर मिलते हैं। MRF के टायर लगे हुए हैं 295/90R 20 in के आपको टायर मिलते हैं। पूरी आपको साइड में भी रेडियम की पट्टी मिलती है। और स्लीपर कैबिन में हमारे सामने ये खड़ा हुआ है और यहाँ पे इसमें इंजन लगा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको इंजन की डिटेल दे देता हूँ। इस घोड़े में आपको 7200 cc का मतलब 7.2 liter का 6 cylinder का डीजल इंजन मिलता है जो कि आपको पावर देता है 320 hp की। एग्जैक्ट पावर एंड टॉर्क आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको ये टायर दिए गए हैं। अभी ये 6 चक्कों में, आप चाहे तो 10 चक्कों में भी ले सकते हैं। इसमें यह पूरी बॉडी लगी हुई है, ये तो बाहर की बॉडी है। 4, 8, 4, 12 चक्कों की पीछे बॉडी लगी हुई है। पीछे बॉडी से की भी आपको लुक दिखा देता हूँ कैसे आपको इसमें बॉडी मिलती है। ये है पीछे की बॉडी की लुक। कस्टमर ने बाहर से इसमें बॉडी लगवाई है। इस साइड की बात करें तो घोड़े में आपको रियर में LED में टेल लैंप मिलते हैं। ऐसे आपको रियर में LED में टेल लैंप मिलेंगे। और ये सिंगल एक्सल के साथ में, आप चाहे तो डुअल एक्सल में भी ले सकते हैं। इस साइड में आपको 465 liter के अराउंड आपको डीजल का टैंक मिलता है। सेगमेंट में सबसे ज़्यादा आपको डीजल का टैंक दिया गया है। और यहाँ पे आपको AdBlue का टैंक भी मिलता है। 60 से 65 liter के अराउंड आपको AdBlue का टैंक दिया गया है। और इसमें इसकी बैटरियाँ हैं, कस्टमर ने ये बॉक्स लगवा दिया है बैटरियों के लिए। 7200 cc का इसमें इंजन मिलता है। और यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी डिटेल मिलेगी। अभी मैं आपको इस घोड़े के मतलब भरत बेंच, यहाँ पर भरत 6+ की आपको ब्रांडिंग मिलती है। अब मैं आपको इस घोड़े के इंटीरियर की लुक को आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं इसके इंटीरियर को आपको दिखा देता हूँ। ऐसा आपको डोर मिलता है और ये इसका ड्राइवर साइड डोर। एक्चुअल में काफ़ी बड़ा आपको ड्राइवर साइड डोर मिलेगा। ऐसे आप इसके अंदर बैठेंगे। ऐसे आपको इस घोड़े में स्टीयरिंग व्हील मिलती है
यहाँ पे बीच में आपको भारत बेंच का लोगो मिलेगा, और मीटर की बात करें तो ऐसा आपको मीटर मिलेगा जो कि मैं आपको ऑफ करके ऑन करके दिखा देता हूँ। ऐसा आपको मीटर मिलेगा जिसमें आपको सभी इंफॉर्मेशन शो होती है, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, बीच में आपको काफ़ी बड़ी MID दी गई है। इसमें भी आपको AC मिलता है इस घोड़े में, यहाँ पे आपको AC के एंड हीटर के कंट्रोल दिए गए हैं, और ये इसके AC के वेंट, बीच में आपको भारत बेंच की ब्रांडिंग मिलेगी, ऊपर आपको यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल मिल जाते हैं, LED में आपको रूफ लैंप मिलेगी, सन वाइजर दिया गया है, और यहाँ पे इसमें आपको 10 स्पीड का गेयर बॉक्स मिलता है, 8 आपको नॉर्मल, 1 C का हो गया, एक आपको रिवर्स का गेयर मिलता है इस घोड़े में। और यहाँ पे ये स्लीपर कैबिन में आता है, यहाँ पर भी एक को ड्राइवर के लिए सीट आती है, लेकिन उन्होंने अभी चेंज करा के ये पूरा फ्लैट करवा दिया। और पीछे आपको काफ़ी बड़ा इसमें आपको कैबिन मिलता है, ये वाला स्लीपर कैबिन, पीछे आपको दो दो छोटे छोटे ग्लास दिए गए हैं। यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल मिलते हैं, यहाँ से आप इसकी हॉर्न चलाएंगे, और इसमें आपको पावर विंडोज दी गई है, सेगमेंट में फर्स्ट है, आप देख सकते हैं भारत बेंच पावर विंडोज देता है, इसमें आपको पावर विंडोज मिलती है, आप देख सकते हैं मैं बटन के थ्रू उनको ऊपर चढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे इसके पावर विंडोज के कंट्रोल मिलते हैं, यहाँ पे आपको XL के कंट्रोल दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको इसमें क्रूज कंट्रोल मिलता है लिमिटर के साथ में, और ये है इसके नीचे के पेडल। अभी मैं इस घोड़े के इंजन की साउंड को आपको सुना देता हूँ, कैसे आपको इंजन की साउंड दी गई है। जंपिंग के लिए नहीं, यहाँ पे आपको काफ़ी कंट्रोल मिल जाते हैं सीट में, सीट को हाइट के अकॉर्डिंग ऊपर करना है, बीच में से एडजस्ट करना है, काफ़ी आपको कंट्रोल मिल जाते हैं सीटों से रिलेटेड। ये इसका ओवरऑल केबिन। अभी मैं आपको इस घोड़े के इंजन की साउंड सुना देता हूँ। अभी ये घोड़ा स्टार्ट हो गया है, भारत बेंच 5532 4x2, इसके आप 7200 cc के 6 सिलेंडर के डीजल इंजन की साउंड आप सुन सकते हैं। इंजन की साउंड को आप सुन सकते हैं। कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।